कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और मैं नवीन कुशवाहा आज नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार जितनी भी योजनाएं शुरू करती है उन सभी योजनाओं के बारे में हम एक एक 2 से 5 मिनट का वीडियो डालेंगे, जो आप आराम से उस योजना के बारे में पढ़ सकते हैं। उस कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंडिया की कितनी भी एग्जाम दीजिए आप, सब में आपको एक क्वेश्चन मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन कोई ना कोई योजनाओं के बारे में आता है, वो चाहे आईएएस लेवल हो, पीसीएस हो, या कोई भी मतलब एग्जाम हो, क्लास 1, 2, 3 या 4th ग्रेड का हो। ओके, सो शुरू किया जाए। आज हमारा टॉपिक है, पहला एक योजना शुरू कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के बारे में थोड़ा हम आपको डिटेल्स में बता दिया जाए कि उज्ज्वला योजना एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बेहतर करना, दूसरा कि उनके स्वास्थ्य को ख्याल में रखते हुए भारत सरकार ने ये शुरू की है, जो 5 करोड़ परिवार या 5 करोड़ महिला को, 5 करोड़ परिवारों को दिया जाना है ये। ओके, इसमें आगे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ ये शुरू हुआ था। स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के नारे के साथ में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था? 1 मई 2016 को। आपको ये डेट याद रखनी है कि 1 मई 2016 को ये शुरू हुआ था, इसलिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी तारीख से शुरू हुआ था, फिर बाद में पूछा जा सकता है कितने सालों के लिए है, कितना इसमें बजट आवंटन किया गया था, ये सारी चीज़ें पूछ लिया जाएगी तो उसके बारे में। और मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और अगर कुछ खामियां दिख रही हैं इस वीडियो में, जैसे इसके पहले वीडियो बनाई गई थी, कुछ खामियां थी जो आपने कमेंट करके हमें बताया और हमने उसके ऊपर ध्यान दिया, अगर इस वीडियो में भी आपको कहीं अच्छी चीज़ें दिख रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप बताइएगा इसी वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में, हम उसके बारे में बन सकता है उतना पूरा प्रयास करेंगे कि वीडियो अगले वीडियो से बेहतर किया जा सके। ओके, तो शुरू किया जाए। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 1 मई 2016 को, ये पूछा जा सकता है। कहाँ से शुरू किया गया था? तो बलिया यूपी, कहाँ? यूपी में एक जगह है बलिया नाम की, बलिया से ये शुरुआत हुई है। ओके, और ये 3 वर्षों के लिए योजना की गई है, केवल तीन वर्षों के लिए, 2016-17 से शुरू करके 18-19, इस तरह 3 वर्षों के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसमें 5 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा। ये उज्ज्वला योजना 5 करोड़ परिवारों को वितरण करना है, ठीक है मित्रों? तो ये जरा याद रखिएगा, क्योंकि इस योजनाओं के बारे में ये बेसिक 4 लाइनें हैं जो कहीं ना कहीं आपको कोई भी एग्जाम दीजिए वहां आएगा। ओके, अब आगे थोड़ा देख लेते हैं कि योजना कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू होती है। तो ये योजना है पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, इस मंत्रालय के अंडर में आता है ये। और इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उन सबों को मिलता है, प्रत्येक परिवार को LPG कनेक्शन के लिए मतलब 1600 रुपये की सहायता भी दी जाएगी। प्रत्येक LPG गैस कनेक्शन जिनको ये सहायता मिल रही है उन सबको 1600 रुपये की सहायता भी दी जा रही है। किनको? BPL परिवार, मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी को। परिवार की जो परिवार में मुख्य महिला होती है, महिला मुखिया, ये महिलाओं के नाम पर ही योजनाएं हैं, इसलिए मुख्य महिला जो है परिवार में उनको ही ये दिया जा रहा है। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि वो 18 वर्ष की आयु से ऊपर होनी चाहिए, दूसरा BPL कार्ड
उनके पास होना चाहिए, और वो खास ग्रामीण क्षेत्रों में रहन के निवासी होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के, तभी जाके ये योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके जो भी सब्सिडियाँ जो भी मिल रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पहुँचे। और ये जो उज्ज्वला योजना है ये घर की एक मुखिया महिला जो होगी उनके नाम से ही मिलता है और उनका ही बैंक अकाउंट होना चाहिए जो 18 साल की या 18 की उम्र के ऊपर होनी चाहिए। अब इस योजना में कुछ उद्देश्य रखा गया था कि ये किस वजह से शुरू किया गया है, तो उसका है उद्देश्य ये कि आप देखें तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। एक महिला सशक्तिकरण आप देख ही रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे कॉलेजों में प्रोग्राम्स और हर जगह जगह गांव गांव शहरों शहरों में इस बारे में प्रचार किया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी, कौन से संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी खतरों और बीमारियों के बारे में रोकने के लिए, जैसे बताया जाए कि चूल्हे, लकड़ी से खाना बनाते तो चूल्हे में से जो धुआं निकलता है वो 400 सिगरेटों के धुओं के बराबर होता है। उस वजह से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के वजह से खतरों और बीमारियों के को रोकना है, उस वजह से ये उज्ज्वला योजना भी शुरू की गई है। दूसरी बात, लकड़ी से खाना बनता है चूल्हों में गांव में तो वायु प्रदूषण भी बहुत होता है। दूसरी बात, लकड़ी से खाना बनता है तो जितने भी जंगल हैं, लकड़ियाँ, जंगलों की, वनों की कटाई कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए ये योजना शुरू की गई है। दूसरी बात, साथ ही साथ देखा जाए तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, उस वजह से ये योजनाएँ शुरू की गई है। तो आई होप मित्रों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आप इस योजना को एक बार, वीडियो को आप देखिए, जितने भी अब योजनाएं हैं हम आपको एक नई प्लेलिस्ट में डाला जाएगा और आप उसके बारे में ध्यान से पढ़ सकते हैं। ओके, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, मित्रों को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन के नीचे है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके मित्रों, और